नमस्ते बच्चों, मैं फिर से आप सभी का हिंदी कालांश में स्वागत करता हूं। आज हम जुड़ेंगे उसी अध्याय से जिस अध्याय के बारे में पिछले कालांश में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं वाक्य अशुद्धि शोधन के संदर्भ में। वाक्य अशुद्धि शोधन के संदर्भ में हमने कुल मिलाकर 7 प्रकार के वाक्य अशुद्धि शोधन के नियमों की जानकारी अभी तक प्राप्त की है। आज के इस कालांश में हम अन्य कुछ वाक्य अशुद्धि शोधन के प्रकारों के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से हम शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास करें, कौन कौन से प्रकार से हम शब्दों को और वाक्यों को अच्छी तरह से सुचारू रूप से लिखें, इसके बारे में हम इस कालांश में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। संज्ञा अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, मतलब कि हमें अनावश्यक जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग करने से बचना है। ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता ना हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती है। उदाहरण स्वरूप देखें, अशुद्ध वाक्य, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। अब यहाँ पे मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, यहाँ पे मंगलवार एक दिन का नाम है, ठीक है, और दिन शब्द का भी वहां पे क्या हुआ है, बारी बारी से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे संज्ञा संबंधी की अनावश्यक प्रयोग को हमें बचना है। यहाँ पे केवल हम क्या कर सकते हैं, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, इतना ही कह करके हम इस वाक्य को शुद्ध कर सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त अर्थात गलत हो, उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों की अशुद्धियां पाई जाती है। अशुद्ध वाक्य देखें, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ रही है। अब यहाँ पे गले में गुलामी की बेड़ियां तो नहीं पड़ सकती है, अनुक्त यहाँ पे एक प्रकार से संज्ञा पदों का प्रयोग हुआ है, जबकि शुद्ध वाक्य इस प्रकार हो सकता है, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ रही है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। अगली जो है अशुद्धियां व्याकरण दृष्टि से हम शुद्ध कर सकते वाक्यों को, वह है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं, जैसे मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए। अभी वाक्य पढ़ने के पश्चात अटपटा सा लगता है, मोहन और मोहन दोनों का प्रयोग जो है बारी बारी से हुआ, जबकि हमें क्या करना है, मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए, मोहन के स्थान पर हमने क्या किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है। मतलब कि हमने वहां पे संज्ञा पद को बारी बारी से प्रयोग करने से रोका है और वहां पे हमने क्या किया है, मोहन के स्थान पर उसका पुत्र प्रयोग करने से वाक्य क्या हो गया है, शुद्ध हो गया। अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण का प्रयोग विशेष मतलब कि संज्ञा सर्वनाम है ना के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है जो वाक्य को अशुद्ध कर देता है। उदाहरण स्वरूप देखें, अशुद्ध वाक्य, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुरेष्टि। यहाँ पे शुद्ध वाक्य केवल इतना हो सकता है कि हम विष शोभा या कुरेष्टि का ही क्या करें, प्रयोग करें। अशुद्ध वाक्य देखिए, और धोबी ने अच्छी चादरें धोई। शुद्ध वाक्य देखिए, धोबी ने चादरें अच्छी धोई ना, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम विशेषण संबंधी अशुद्धियों को भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि धोबिन क्या है, यहाँ पे कर्ता है, कर्ता के बाद चादर कर्म है ना, धोना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, लेकिन चादरों के कर्म के बाद ही क्या किया गया है, विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसका ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। जिस प्रकार से कर्ता है, लिंग है और वचन है, उसी प्रकार से हमें क्या करना होता है, क्रिया का प्रयोग करना होता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। तो इसको दूर करने के लिए किस प्रकार से हम एक सावधानी बरत सकते, देखिए उदाहरण स्वरूप अशुद्ध वाक्य देखें, राम और सीता वन को गई। अब यहाँ पे गई जो है, यह कर्ता जो है, वाक्य में जो कर्ता है ना, उसके अनुसार लिंग के अनुसार
है ना, क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क्या है यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धि पाई गई है। इसको दूर करने के लिए राम जबकि क्या है पुल्लिंग शब्द है, सीता जबकि स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो लिंग कर्ता के अनुसार हमने क्या किया गया है वन को गए है ना, तो यहाँ पे क्या है राम और सीता बहुवचन रूप में आए हुए हैं है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पे गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ध्यान में रखते हुए इसका सटीक प्रयोग किया गया। आगे देखिए क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, हम सभी जानते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों की जो अशुद्धियां जो है किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं वाक्य से उसके बारे में जानेंगे। अशुद्ध वाक्य देखें, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। अब विद्यालय के दाएं इस शब्द का उच्चारण करने के बाद एक प्रकार की अशुद्धता जो है वाक्य में आ गई है, उसको शुद्ध करने के लिए देखें, विद्यालय की दाई ओर बड़ा सा मैदान है, दाई ओर न कि के दाएं, दाई ओर हम दिशा सूचक यहाँ पे क्या कर रहे हैं दिशा बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, मतलब कि क्रिया की दिशा जो है किस दिशा में वहां घटित हो रही है, उसकी विशेषता किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, थोड़ा चावल मतलब क्या थोड़े यहाँ पे होना चाहिए, एक चावल तो आप दे नहीं सकते हो है ना, तो थोड़ा यहाँ कहना क्या है गलत है, क्रिया की विशेषता इस प्रकार से यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, तो केवल हम क्या कर सकते हैं भिखारी को थोड़े चावल दे दो, यह क्या होगा सही शुद्ध रूप जो है और क्रिया विशेषण का हमने यहाँ पे दिखा, ठीक है। आगे देखिए अंतिम कारक संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती है, कारक के भेद हम सभी जानते हैं, आठ प्रकार के कारक के भेद हैं, कर्ता करण कर्म अधिकरण संप्रदान अपादान और संबोधन, ठीक है। तो उसमें से कुछ दो उदाहरण में आप यहाँ पे लिए हुए हैं, अशुद्ध रूप देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, अब पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई यह एक प्रकार से संप्रदान का एक उदाहरण है, संप्रदान कारक का उदाहरण है, तो संप्रदान कारक की जो अशुद्धि जो है उसको दूर करने के लिए हम पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से उस अशुद्धि को क्या कर सकते हैं हम दूर कर सकते हैं और वाक्य शुद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, यह कहना गलत है, सही क्या है शुद्ध रूप क्या है, वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, जबकि यह अपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो यह कारक संबंध अशुद्धियां भी हमको ध्यान रखनी जरूरी है, जो परसर्ग है उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वाक्य में किस रूप में करना है यह जान करके हम क्या कर सकते हैं इन सारी अशुद्धियों को वाक्यों से दूर कर एक वाक्य को मानक रूप दे सकते हैं, शुद्ध रूप दे सकते हैं और अच्छी हिंदी हम सीख सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा आज के कालांश में वाक्य अशुद्धि शोधन में, वाक्य अशुद्धि शोधन असल में क्या है परिभाषा, और वाक्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम व्याकरण के नियमों को किस प्रकार से जान करके वाक्य की अशुद्धियां दूर कर सकते हैं, ये हमने आज के कालांश में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।